आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। पोलियो मुक्त भारत के अभियान को झटका, 10 साल बाद मिला पोलियो का मामला। 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हुआ था देश। तारीख थी 27 मार्च 2014। भारत के लिए दिन बड़ा था क्योंकि इस दिन WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। मगर अब 10 साल बाद भारत में पोलियो का एक नया मामला सामने आया है। पोलियो का ये केस मेघालय में मिला है, जहां एक 2 साल के बच्चे को पोलियो की पुष्टि हुई है। मेघालय में पोलियो का मामला मिलने के बाद देश के लोग सन्न हैं और सवाल यही उठ रहा है कि क्या पोलियो फिर वापस आ गया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का एक बयान सामने आया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये वैक्सीन डिराइव्ड मामला है, यानी ये इन्फेक्शन पोलियो की वैक्सीन में मौजूद वायरस के कमजोर स्ट्रेन की वजह से फैला है। ये एक तरह से वंस इन अ वाइल्ड केस है। इसका खतरा उन बच्चों को अधिक होता है जिनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर होती है। आपको बता दें कि पोलियो वायरस से होने वाला एक इन्फेक्शन है, इसको पोलियो माइलाइटिस कहा जाता है। पोलियो होने पर ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है। पोलियो का आज तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन वैक्सीन मौजूद है, इससे इस बीमारी के होने की आशंका को खत्म किया जा सकता है। भारत में पोलियो का मामला मिलने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या WHO भारत से पोलियो मुक्त देश का दर्जा छीन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।